वेलकम टू पृथ्वी वेब डेवलपर। हमने पिछले वीडियो से टूरिज्म ब्लॉग वेबसाइट का होम पेज कैसे डिजाइन करते हैं यूजिंग HTML, CSS और JavaScript से उसके प्लेलिस्ट चालू किए। तो हमने पिछले वीडियो में टूरिज्म ब्लॉग वेबसाइट का नेविगेशन बार, बैनर और अबाउट अस का सेक्शन और उसके साथ ही साथ और ब्लॉग का सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया था। तो आपने ये सेक्शन मिस कर दिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो की लिंक दे दूंगा आप उसकी हेल्प से। तो मैं आज के वीडियो में हम ब्लॉग के नीचे का सेक्शन मीन्स टेक्स्टोमिनियल का सेक्शन ऐड करने वाले हैं। तो हम सिंपली अपना अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं और index.html में चले जाते हैं और उसके बाद अबाउट पोस्ट के बाद हम एक कमेंट आउट कर देते हैं कि ये मेला टेस्टोमोनियल का सेक्शन है, मोनियल का सेक्शन है। ओके, इसको मैं साथ ही साथ इसे एंड भी कर देता हूँ। चलो इतना तो चलो इसको भी एंड कर देते हैं। तो मैंने इसको एंड भी कर दिया। उसके साथ ही साथ हमें स्टाइल में भी टेस्टोमोनियल की स्टाइलिंग भी करनी होगी ना, तो उसके लिए मैं एक टेस्टोमोनियल की स्टाइलिंग के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। टेस्टोमोनियल टेस्टोमोनियल उसके साथ ही साथ मैं इसे एंड भी कर देता हूँ। इसे मैंने एंड कर दिया, इधर मेरी स्टाइलिंग आ जाएगी। तो हम सबसे पहले तो जो डेमो देखा था उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो उसमें क्या क्या ऐड था, तो टेस्टोमोनियल में हमें एक कंटेनर चाहिए होगा और उसके साथ साथ हेडिंग भी चाहिए होंगी ना, तो हम इसे इंसर्ट कर देते। तो मैं index.html में गया और इधर एक ड्यू उसको क्लास दे देता हूँ टेस्टोमोनियल। ओके, ये टेस्टोमोनियल हमारा एक सेशन हो गया। उसके साथ ही साथ हमें टेस्टोमोनियल तो एक कंटेनर तो आ गया, तो उसके साथ ही साथ हमें ये जो उसकी हेडिंग है वो भी चाहिए। तो मैं इसे कॉपी कर ले, तो उसकी हेडिंग भी चाहिए ना। इसके लिए मैं जो हमारा हेडिंग का बनाया था हमने वो कॉपी कर लेते हैं। तो हेडिंग का क्लास मैंने कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर दी सिंपली। तो मैं इधर जो अपनी हेडिंग है टेक्स्टोमोनियल की एक्चुअल वेबसाइट में उसे कॉपी कर लेता हूँ और उसे एक और ब्लॉक की जगह में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दे, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो हेडिंग आ चुकी है। तो हमें साथ ही साथ उस कंटेनर जो एक कंटेनर है टेस्टोमोनियल उसकी विड्थ भी देनी पड़ेगी ना। तो मैंने इसे क्लास को कॉपी कर लिया टेस्टोमोनियल और मैंने ब्लॉग पोस्ट में दिया था विड्थ वगैरह, तो उसी में एक क्लास इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैंने दे दिया इसको इसकी विड्थ वगैरह। तो उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, तो एक्चुअल ब्लॉग में ले जाते हैं और हमें एक टेस्टोमोनियल का कार्ड चाहिए। तो हम एक ही बना लेंगे और उसे पेस्ट करते जाएंगे तो ये चार कार्ड भी बन जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट मुझे इस कार्ड चाहिए। ओ, उसके लिए मैं एक क्लास इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके साथ ही साथ मुझे इमेज भी चाहिए और नेम। ओके, तो मैं index.html में चले जाता हूँ और टेक्स्ट ए हेडिंग के बाद मैं बोल देता हूँ कि टेस्टोमोनियल रो है भाई, मिनियल रो। ओके, टेस्टोमोनियल रो है। रो क्यों बताया, रो क्यों लिखा मैंने, ए डायरेक्ट रो में है ना, ये रो में चाहिए हमने, इसलिए मैं उसके साथ साथ हम इस रो में डॉट टेस्टोमोनियल कार्ड मोनियल कार्ड ए इनिशियलाइज कर दिया। टेस्टोमोनियल कार्ड में क्या चाहिए हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ए इमेज चाहिए, उसके साथ ही साथ हमें इमेज और ए नेम चाहिए ना। इसके लिए मैं चले जाता हूँ टेस्टोमोनियल इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्म डॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन एक करके क्लास बना लेता हूँ पर्सनल करके। इसको मॉडिफाई कर देते पर्सनल इन्फो कर देते हैं और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए था, इमेज चाहिए ना। तो मैंने इमेज जो एसेट्स में एसेट्स है उसमें मुझे कहा तो टेस्टोमोनियल का सेक्शन है और उसमें क्या चाहिए, कौन सी इमेज ले लेते हैं एसेट्स में टेस्टोमोनियल में
टेस्टमोनियल 1 डॉट जेपीजी, एक्सटो, अच्छा टेस्टमोनियल 1 डॉट जेपीजी, तो मैंने ये लिख दी। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए ये हमारा आउटपुट इस तरह से आना, ये इमेज तो आ गई, तो हमें साथ ही साथ हमें ये नेम भी चाहिए ना उसका, तो मैं ये नेम भी उसके नीचे इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके बाद में बोलूंगा, H2 करूंगा, H2 और उसके नाम भी इंसर्ट कर दूंगा। तो देखिए साथ ही साथ मैंने इसमें नेम भी इंसर्ट कर दिया। ओके, तो मुझे क्या चाहिए और, तो मुझे ये चाहिए था जो ये अपनी जो कम उसने जो फीडबैक दिया है वो सेक्शन चाहिए ना, तो इसके लिए मैं इसमें ही ड्यू के पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद ड्यू उसके क्लास दे देता हूं मैं, फीडबैक करके एक क्लास दे दी मैंने। अच्छा, तो फीडबैक्स में मुझे ये चाहिए ना ऐसे, तो मैं सिंपली ये अपने आइकॉन इंसर्ट किए थे कहाँ पर, तो हमने आइकॉन इंसर्ट किए थे अबाउट अस के सेक्शन में, तो अबाउट अस में जो इंसर्ट किए थे ना उसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और उसे ही हम अपने एक टेस्टिमोनियल कमेंट्स में पेस्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देख एक्चुअल में आ गया है ये सर, चलो ठीक है, तो हमने इतना अचीव कर लिया है, तो हमें इसका जो था टेक्स्ट वो भी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसकी जगह पर वो भी चेंज कर लेता हूं, तो मेन को इधर से भी इधर तक चाहिए, चलो ठीक है। तो हमने जो हमारा HTML की स्टाइलिंग हमने जो स्ट्रक्चर बना दिया है सिंपली स्ट्रक्चर, तो हमें इसे CSS अप्लाई करने होंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये जो अपना ये चल रहा है उसकी विड्थ डिसाइड कर देता हूँ। तो मैं सिंपली बोल दिया मैंने टेस्टिमोनियल कार्ड में कंट्रोल सी, टेस्टिमोनियल कार्ड कुछ ले लिया और उसे डॉट कंट्रोल टेस्टिमोनियल कार्ड बता दिया और उसमें मैंने बोल दिया उसकी विड्थ, विड्थ हम देख लेते 25% दे देते हैं, ठीक है 25 दे दी। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ होती, कुछ नहीं आया। तो हमें साथ ही साथ जो टेस्टिमोनियल है था उसके साथ ही साथ हमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो इमेज है उसकी भी विड्थ देनी पड़ेगी। डॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो इमेज टैग है उसकी विड्थ 100% दे देते हैं। अभी देखते हैं क्या आता है, ठीक है ये देखो स्मॉल आ गई है। तो हमें एक्चुअल में देखो ये वेरी स्मॉल चाहिए था हमने। ओके, तो मैं इसकी विड्थ रहने देता हूँ, इसकी विड्थ ऐसे नहीं रहते हैं, मैं बोल देता हूँ उसकी विड्थ 100 पिक्सल। ओके, अभी देखते हैं 100 पिक्सल में स्मॉल एक्चुअल जैसे स्मॉल हो गई। और उसके साथ ही साथ मुझे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस तो क्या है बॉर्डर रेडियस कितना था, बॉर्डर रेडियस, ओके रेडियस कितने, तो 50% दे दी मैंने। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या, तो हमने इतना अचीव कर लिया है। तो उसके साथ ही साथ हमें इतना तो अचीव कर लिया, तो हम देख सकते हैं कि ये देखो ये इधर से है जो हमारा अबाउट अस का सेक्शन था उसी की तरह ये है। तो हम सिंपली ये जो हमने ब्लॉग पोस्ट में दे के रखा था इसे सिंपली कट कर देते, कट कर दिया और नीचे आ जाते हैं उसको सेपरेट स्टाइलिंग कर देंगे।
ओके, तो मैंने विड्थ उसके 100% कर दी और पैडिंग पैडिंग 0 पिक्सल और 50% बता दी। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आ गए पर लेकिन हम देख सकते हैं ये सेंटर में है। ओके, तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने इसमें इंडेक्स और एचटीएमएल। वो हम देख सकते हैं कि जो पर्सनल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसमें एक क्लास लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डी फ्लेक्स, डी फ्लेक्स। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स होने से क्या होगा, वो ऐसे जा गए, पर लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, वो मिडल में चाहिए ना। तो हम सिंपली इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और उसके ऊपर हम दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, अभी देखते हैं। तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम टेस्टिमोनियल कार्ड में चले जाते हैं क्या? नहीं, सॉरी, पर्सनल इंफॉर्मेशन में दिया था हमने ये। तो मैं सिंपली ए बता ए इसको कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने क्लास गलत जगह प्रॉपर्टी यूज कर दी थी। ओके, और मैं इसे कट करके इससे इसमें पेस्ट कर दूंगा। अभी देखते आ रहा है तो आ नहीं रहा है। तो हमें इसके साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर जी, अलाइन आइटम सेंटर लगा दिए। अभी देखते हैं, ये देखो आ गई सेंटर में। तो हमने इतना हमने ऐसा इस तरह का बना लिया है। तो हमें साथ ही साथ तो जो नेम है उसको भी स्टाइलिंग करने पड़ेंगे। ओके, तो नेम से पहले हम एक कार्ड बना लेते हैं। तो मैं सिंपली एक जो कार्ड रो है टेक्स्टोमोनियल, टेक्स्टोमोनियल कार्ड, टेस्टोमोनियल कार्ड है, उसको बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम एक कलर पर किसे इंसर्ट किया था वो देख लेते हैं सिंपली। तो मैंने कलर वेरिएबल में बैकग्राउंड कलर एक करा ना। अच्छा ठीक, तो मैं सिंपली ए उसे इनिशियलाइज कर दूंगा कि मेरा ये वेरिएबल था भाई। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अभी देखते हैं क्या होता। ये देखो सिंपली आ गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें एक बॉर्डर शाडो भी चाहिए। तो बॉर्डर बॉक्स शाडो, सॉरी बॉक्स शाडो, शाडो वेरिएबल बॉक्स शाडो ये कर दे। अभी देखते क्या आता है। मैंने बॉक्स शाडो बराबर लिखा है क्या, वेरिएबल बॉक्स शाडो टेक्स्टोमोनियल कार्ड, टेक्स्टोमोनियल कार्ड। ठीक है, टेक्स्टोमोनियल कार्ड में मैंने ये बता दिया। चलो ठीक है, अभी बॉक्स शैडो बराबर से था क्या हमारा? बुक में वेरिएबल चेक कर लेते हैं। बॉक्स शैडो, सिर्फ बॉक्स शैडो, एक बॉक्स शैडो। और ठीक है, तो हम सिंपली इसे चेंज करवा देंगे। मैं वेरिएबल का नाम गलत लिख लिया था, तो उसे सही करते हैं। अभी देखते हैं आउटपुट। ए देखो सिंपली आ गया, लेकिन हमें एक्चुअल में देखते हैं तो इसमें पैडिंग है, तो हम पैडिंग भी लगा देते हैं इसको। तो मैं इसको बोल देता हूँ पैडिंग टू पैडिंग भाई। तो कितनी पैडिंग है देख लेते हैं एक्चुअल में, तो 10 पिक्सल। ओके, तो हम सिंपली 10 पिक्सल लगा लेते हैं। देखते हैं अभी आउटपुट कैसे आता होगा। ठीक है, 10 पिक्सल की जगह हम 20 पिक्सल कर देते हैं। एक्चुअल में कार्ड बन गए। तो हमें इसकी विड्थ, कार्ड की विड्थ पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल। ये कार्ड ऐसे आ रहा है, तो हमें इतना चाहिए था। तो हम सिंपली इसकी लेफ्ट एंड राइट से 25 पिक्सल करवा देते विड्थ। ठीक है जी, 25 पिक्सल में हुआ नहीं कुछ। हम 30 पिक्सल करवा देते हैं।
अच्छा, तो हमने टेक्स्टोमोनियल जो था, टेस्टोमोनी किया और में चले गए और उधर पेस्ट कर दिया इसे। ओके, इतना हुआ। तो हमने उसके 30 पिक्सल पैडिंग कर दी थी, तो हम उसे 50 कर देते हैं भाई। ए, आ गया बराबर से। ये देखो एक्चुअल में ऐसे आ गया। तो हमें साथ ही साथ हमें ये इसके स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, तो साथ ही साथ हम इसे स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो हमने जो टेस्टोमोनियल में जो कार्ड, टेस्टोमोनियल पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, टेस्टोमोनियल कार्ड था, उसे मैंने ले लिया। उसके साथ ही साथ में जो टेस्टोमोनियल कार्ड था बराबर, तो मैंने इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन थी ना, अच्छा उसको भी ले लिया। तो उसमें मुझे इंफॉर्मेशन में किसको स्टाइल करना है, तो मुझे H2 को स्टाइल करनी है ना। तो मैं सिंपली H2 बोल दूंगा और उसे बोल दूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, उसके साथ ही साथ कलर, कलर देख लेते हैं क्या है कलर। ब्लैक कलर दे देंगे। वेरिएबल, वेरिएबल और उसके साथ साथ कलर। तो कलर का नाम क्या है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। वेरिएबल क्या बनाया हमने कलर का, तो मैं चले जाता हूँ रूट पर और मैंने जो हमारा ए है क्लास 6 और क्लास 4, तो मैं क्लास 2 ही दे देता हूँ उसे। कंट्रोल सी किया, ओके। और इसमें मैंने कलर 2, Ctrl V के कलर 2 दे दिया। अभी देखते हैं क्या आता है। अच्छा देखो बराबर से आ गया। यानी उसके साथ ही साथ मैं बोल दूंगा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। ओके, ये देखो बराबर से आ गया है ये। तो मुझे इसको भी स्टाइल करने होंगे जो हमारा पी टैग है, वो किया और इसमें पी टैग में चले गए और इधर बोल दिया पी टैग फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। ओके, उसको भी कलर चेंज कर देते हैं। और मैंने उसका कलर चेंज करवा दिया। वे देखते हैं, तो हम हमने बराबर से लिखा है क्या, पी टैग ही था गया इंफॉर्मेशन में कार्ड। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हमें कार्ड फीडबैक चाहिए, तो मैं सिंपली इसे कार्ड फीडबैक, ओके। तो मैंने क्लास का नाम गलत से तरीके से दे दिया था। अच्छा इतना हो गया। उसके साथ साथ मुझे एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज चाहिए, वो दे दिया। इसमें भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज दे देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ओके। तो मैंने इतना दे दिया। अच्छा ये देखो कैपिटलाइज हो गया, उसके साथ ऐसे बराबर आ गया। लेकिन ये देखो इस तरह से आ रहा है, इसे डार्क कलर चाहिए, तो मैं सिंपली फॉन्ट, ओके फॉन्ट वेट दे देते हैं। फॉन्ट वेट वेट 500, और इस कंट्रोल कॉपी करके इसमें भी फॉन्ट वेट 600। ओके, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आना आ गया। तो सिंपली मुझे जो IAP टैग में से जो P टैग में की जो आइकॉन है उसकी बढ़ानी पड़ेगी विड्थ। तो मैं सिंपली डॉट FA है P टैग में का,
उसकी फॉन्ट साइज उस 20 पिक्सल, ओके, उसके साथ ही साथ कलर, उसके साथ ही साथ कलर वेरिएबल कलर 1, ठीक है। तो अभी देखो टेक्स्ट मैनुअल का सेक्शन बराबर से आ गया है, ओके। तो हम इसी को रिपीट करेंगे 4 बार, ओके, 4 बार था इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। तो मेरी टेक्स्ट मैनुअल के रो में जो टेक्स्ट मैनुअल कार्ड है उसको मैं मल्टीपल बार कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल बार। तो देखते हैं अभी आपको क्या। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये 2, 3, 4 कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन रो ए अपने कॉलम में, तो हमें एक्चुअल आउटपुट में ये रो में थे, तो हम सिंपली से रो में एडजस्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैं जो टेक्स्टोमोनियल जो रो है मेरी, तो मैं टेक्स्टोमोनियल में जो रो है उस रो को कॉपी कर, वो क्लास को टेक्स्टोमोनियल रो क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और मैं से डॉट डॉट करके उसे सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्टोमोनियल डॉट, उसे बोल देता हूँ तो डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी मैंने ग्लोबल क्लासेस में दिए रखी है, इसलिए मुझे डी फ्लेक्स करके लगा देता हूँ। तो अभी डी फ्लेक्स करने के बाद वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद वो एक लाइन में आ गए, ओके। तो उसके साथ ही साथ हमें मार्जिन पैडिंग देनी पड़ेगी, ओके, आ गए। तो उसके साथ ही साथ मैं इसे दे देता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल देने से वो नीचे आ गए। तो हमें इस जो दो कार्ड है उसमें कुछ डिफरेंस चाहिए ना, तो मैं एक कार्ड टेक्स्टोमोनियल कार्ड में मार्जिन 0 पिक्सल और उसके साथ ही साथ 5 to 10 पिक्सल कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है तो आउटपुट में। तो देखिए ये बराबर से आ गए, चलो। तो हमने टेक्स्टोमोनियल का सेक्शन जैसा था वैसे ही बना लिया, लेकिन इसमें जब मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ तो एक कुछ शाडो आ रही है ना, तो वो भी लगा देते हैं इसमें, चलो। तो मैं टेक्स्टोमोनियल कार्ड को जब मैं ओवर करूंगा, तो मैंने कार्ड को कॉपी लिया और मैं इसे एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, हवर, सूडो क्लास लगा देते हवर। तो मैं जब भी उसके पास उसके ऊपर लेके जाऊंगा कर्सर, तो हवर हो जाए और उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं बराबर। तो हम एक्चुअल में इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या ऐड किया गया था। तो मैं टेक्स्टोमोनियल में गया और मैंने सिंपली इसे ऐड किया और देखते हैं मैं इसको स्टाइल डॉट सीएसएस में कार्ड, ओके, कार्ड में ए है। जब मैं इसे हवर कर रहा हूँ क्या प्रॉपर्टी आ रही, तो मुझे इसे इंस्पेक्ट करने में कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं इसे सिंपली व्यू पे सोर्स कर देता हूँ
और साथ स्टेनलेस स्टाइल डॉट सी एस एस में चले जाता हूँ। उसके बाद में मैं देखता हूँ हमारे जो ये था टेक्स्टोमोनियल कार्ड में ओवर करके, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई इक्वल टू माइनस 10 पिक्सल है। ओके, तो मैं यहाँ इसको के बोल देता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांस ट्रांसलेट इधर, तो y एक्सिस ट्रांसलेट y, तो क्या थी वो प्रॉपर्टी, ट्रांसलेट y माइनस 10 पिक्सल। ओके, तो इस तरह इंसर्ट भी करना पड़ता है हमें। चलो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हो एक्चुअल आउटपुट, ये देखो जैसे मैं इसे हवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस, तो मैंने कार्ड में जब ओवर टेस्टिमोनियल कार्ड जब ओवर कर रहा हूँ तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन लगा दिया है मैंने, सॉरी प्रॉपर्टी में कुछ ट्रांजिशन ने ट्रांसफॉर्म ओके ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन, अभी देखते हैं आउटपुट बराबर से आ जाएगा अपना। तो मैं देख चले जाता हूँ अपने इसमें, अभी देखता हूँ मैं जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये फास्टली आ जा रही है ना, तो मैं इसमें बोल देता हूँ इस कार्ड में ट्रांजिशन ट्रांजिशन और 0.8 सेकेंड इज इन आउट करके लगा दिया, इज इन आउट करके। अभी देखते हैं एक्चुअल में, देखते हैं कोड में ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड इज इन आउट था। ओके, ये लगा है, तो हमने ज्यादा टाइम दे दिया इसलिए मैं 5 कर देता हूँ। और उसमें साथ ही साथ बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 4 पिक्सल 16 पिक्सल वेरिएबल कलर, तो हम कलर देख लेते हैं कौन सा देना है हमें। तो मैं सिंपली कलर 3 दे देता हूँ, तो मैंने 3 कॉपी कर लिया था। और मैं सिंपली कहाँ पर, तो हमें कार्ड ओवर करने के बाद ना, तो हमें सिंपली इस कलर की जगह वो कलर पेस्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं कुछ बॉक्स शैडो बराबर से आ रही है क्या हमारी, तो ये देखो बॉक्स शैडो आ रही है बराबर से, सॉरी सॉरी हमने वो देखा, अभी देखो बॉक्स शैडो आ रही है। ओके, उसके साथ ही साथ हमें एक कार्ड को बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल कर देते हैं, तो क्या होता है देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल करने में बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल करने में ऐसा आ रहा है, तो हम सब बॉर्डर रेडियस को बढ़ा देते हैं तो सिंपली 10 पिक्सल कर देते हैं। तो मैंने 10 पिक्सल कर दी, तो अभी देखिए ये 10 पिक्सल में आ गया बराबर से। ओके, तो हमें इसका कलर ओके वे बराबर से आ गए। हमने बराबर से ऐड कर, तो हमें इंस्पेक्ट करके रिस्पॉन्स है क्या ऑल डिवाइसेस में वो चेक कर लेते। तो मैं सिंपली इसे एडजस्ट कर देता हूँ, इस कोड की कुछ जरूरत नहीं है मुझे अभी फिलहाल, रहने देते। तो मैं सबसे पहले बड़े डिवाइस में मैं चले जाता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिव है तो ऑफकोर्स है, लेकिन जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मैं इधर कॉलिंग इफेक्ट भी लगा देता हूँ। तो मैं कार्ड रो को बोलूंगा ओवरफ्लो एक्स और फ्लो एक्स एक्सेस स्क्रोल
तो मैंने ये ओवर फ्लो स्क्रोल लगा दिया। ओके अभी देखते हैं आउटपुट। तो हमें ये जो नीचे है एक स्क्रोल बार आ गया, तो हमें ये स्क्रोल बार को हाइड करना है, तो निकालना है। तो उसके लिए इसे सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद हाइड करने के लिए हमें टेस्टोमोनियल रो लगाया था, उसमें वेबकिट स्क्रोल बार आता है उस प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी लगेगी डिस्प्ले नन। तो हमें एक्चुअल आउटपुट देख लेते हैं अभी। तो ये देखो एक्चुअल में वो हाइड हो गया। अभी हम इसमें इस मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं सीएसएस में चले जाता हूँ और इसके बाद में मैं मीडिया क्यूरी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इधर रिस्पॉन्सिव, तो हम साथ ही साथ कोड लिखते जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे आपको साथ ही साथ फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। ओके तो मैं देख अभी हर मीडिया डिवाइसेस में अपने आउटपुट को चेक कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो इसे इंस्पेक्ट कर लिया, तो मैं डिवाइसेस पे चले जाता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिव है और उसके साथ ही साथ उसे करता हूँ। तो देखो इसकी हाइट, इसको देखो ये वो तो ऐसे है। तो मैं सिंपली जब मैं जब 1024 के बाद आऊंगा तो मैं इसके लिए प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। तो मैं बोलूंगा इधर एट मीडिया क्यू मीडिया मीडिया, तो मुझे मैक्सिमम विड्थ चाहिए ना, तो इसलिए मैं मैक्स विड्थ तो क्या 1024 पिक्सल के पास जो जब भी आऊंगा, तो मुझे जो टेक्स्टोमोनियल कार्ड है उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो टेक्स्टोमोनियल कार्ड को मैंने कॉपी कर लिया, सही करके कॉपी कर लिया और मैं इसको बोल देता हूँ टेक्स्टोमोनियल कार्ड की विड्थ। क्यूरी में सिंपली उसकी जो रो है उसका जो मार्जिन सॉरी जो कार्ड है उसकी बॉर्डर रेडियस मार्जिन जो कार्ड है उसकी मार्जिन शिफ्ट कर देते हैं, मार्जिन तो हम इसे हटा ही देते हैं। तो हम जैसे हमने कोड लिखा था तो हम इसे इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो ऑल डिवाइसेस में ये बराबर से आ रहा है टेस्टोमोनियल का सेक्शन। ओके जैसे मैं बिग डिवाइसेस पे गया तो उधर भी आ रहा है, लेकिन जो ये अपनी रेडियस है वो मार्जिन है उसे हटाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जो रो में जो पैडिंग दी थी मैंने पैडिंग तो मैं पैडिंग सिंपली 0 पिक्सल टॉप से और 10 पिक्सल इससे कर देता हूं। पैडिंग 900 नहीं 500 के बाद में किया और इसे बोल देता हूँ कि एट मीडिया मैक्स विड्थ 500 पिक्सल के बाद तो जब भी आए तो मुझे ऐसा करके दे। ठीक है
इसमें मोबाइल डिवाइसेस में आया तो इस तरह से दिखने लग गया है। तो मैं इसे पैडिंग 0 पिक्सल ही रहने देता हूँ। ओके, टेक्स्ट मैनुअल रो किधर है? अरे टेक्स्टोमोनियल था सर, टेक्स्टोमोनियल की ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, अभी देखें इस तरह से आ रही है पैडिंग, सिंपली 10 रहने देता हूँ। ठीक है, अभी तो हमने इस वीडियो में अपना टेक्स्टोमोनियल का सेक्शन क्रिएट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का सेक्शन मैनुअल का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद के सेक्शन में हम उसके कांटेक्ट, उसके नीचे का कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन और उसके साथ ही साथ हम फुटर का सेक्शन भी बना लेंगे। थैंक यू सो मच।